खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें जिंदगी दी, सलाम की दी, ताकि जिस तरह लिखा है कि मेरी यादगारी के लिए, आज हम उसकी यादगारी के लिए यहाँ पर आए हैं, उसका शुक्र करते हैं। टाइम कम है, हवाला निकालिए, यूहन्ना की अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत में जिस तरह भी 5वां कलमा है कि मैं प्यासा हूं। गौर और फिक्र करने की ये बात है कि प्यास क्यों लगी, इससे पहले नहीं कहा। ये प्यास का कलमा जो है, ये आपको जब चौथा कलमा जो कहा गया है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, तो जब वहां पर ये कलमा फरमाया गया तो नीचे क्या हो गया, खलबली मच गई। क्या मेरे खुदा तूने मुझे, तो नीचे क्या हुआ, खलबली मच गई। कोई पानी लेने के लिए जा रहा है, कोई ये लेने के लिए जा रहा है, कोई खलबली मच गई, कोई सिरका लेने के लिए जा रहा है, लेकिन कहीं ने रोक दिया, वेट वेट वेट, रुको रुको रुको, ये एलिया को, ये किसको पुकार रहा है, एलिया को, देखे इसे कौन बचाने आता है। ए मेरे खुदा, वो अपने खुदा से, अपने बाप से बात कर रहा है, और नीचे वाले क्या हो रहे हैं, वो आजमा रहे हैं कि देखे। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, वो पुराने आदनामे को भूले नहीं है, उनको मालूम था कि एलिया था, एलिया है, वो जानते थे कि एलिया जिंदा है, एलिया खुदा का बंदा नबी था, वो है, वो जानते थे, उनको मालूम है। इतना मालूम होने के बावजूद भी क्यों खुदा ने यीशु मसीह को सलीब दी, क्यों क्या वो जो लोग थे वो गुनहगार थे जिन्होंने सलीब दी, वो बुरे थे, नहीं। क्या निकोदिमस जब खुदा के पास रात को यीशु मसीह के पास आया वो गुनहगार था, वो बराबर हैकल में जाते थे, खिदमत करते थे, दायकी देते थे, चंदा देते थे, दुआएं करते थे, सिर्फ एक चीज की कमी थी, वो आज मुझ में और आप में ही है कि खुदा यीशु मसीह के सामने उनका नॉलेज क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था, शर्मिंदा हो रहे थे लोगों के सामने, इसलिए तो दौड़ते इसे सलीब दे, इसे मार दे, इसे खत्म कर, क्योंकि हम लोगों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं। यह वजह थी। अभी सोचने की बात है ना कि एलिया को पुकार रहे हैं, खुदा के खादमों को, तमाम बुजुर्गों को जानते, कलाम को जानते, शरीयत को जानते हैं, जिस तरह भी ये साया 53 बाब पढ़ा, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा था, सब पढ़ा था, सिर्फ वजह ये थी। आज मैं और आप जो मुसीबतों, तकलीफों में पड़े हुए हैं, बीमारियों में, कर्जों में घिरे हुए, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, तुम मांगते नहीं क्योंकि तुम नियत से मांगते नहीं हो। यह वजह थी खुदा यीशु मसीह को सलीब देने की। और जब नीचे ये खलबली मच गई, उसके बाद यीशु मसीह ने जब देखा तो कहा कि मैं प्यासा हूं। कौन सी प्यास थी उसकी, पानी की प्यास थी? बिल्कुल नहीं। उससे पहले अगर हम मत्ती की अंजील 23 बाब उसकी 37 आयत देखें, तो वहां जब खुदा यीशु मसीह यरूशलम को देख रहे हैं ना, जब तो इतना प्यार, इतना प्यार, जिस तरह ये चौथे कलमे में कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, क्यों दो दफा कहा, क्यों दो मर्तबा कहा, एक ही मर्तबा क्यों नहीं कहा? मैं आपको बुलाता तो क्या कहता हूं, भाई जी इधर आ जाओ, पास्टर जी इधर आ जाओ, क्यों दो दफा कहा? 23 बाब 37 आयत में क्या कहता है, ऐ यरूशलम, ऐ यरूशलम,
तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास नबी भेजे गए उनको क्या करता है? क्या यीशु मसीह से पहले किसको कत्ल किया? योना को। क्या वो नबी नहीं था? संसार किसको कर रहे थे? यीशु मसीह को। हर वक्त पत्थर लेके खड़े रहते थे जहां पर वो औरत मरियम मगदलीनी, उस वक्त उनके हाथ में क्या थे? तो निशाना कौन था? यीशु था। किसके साथ साथ इसे भी मारेंगे हम। आज खुदा यीशु मसीह सलीब पर प्यासा है। अगर यूहन्ना 3:16 की सबको जुबानी याद आता है, सबको याद है, ठीक है जी, लेकिन जी उससे पहले जो 13:14 निकाले, अगर 3:16 कामिल करनी है तो 3:13-14 पढ़ लें। क्या लिखा है? लिखे जी, क्या लिखा है? नहीं जी, यूहन्ना 3:16 और 13 आसमान पर कोई नहीं चला। 3:13 आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। नहीं नहीं नहीं, मूसा का जिक्र 3 बेटा ऊपर भी और नदी ऊपर 3:13 अच्छा मैं कर लेता हूं। आसमान पर कोई नहीं। हां जी हां जी, हिंद पढ़े पढ़े पढ़ो सुनो। आसमान पर कोई नहीं। सुने इससे सुने, प्लीज गौर से सुने, ये मेरे लिए और आपके लिए बरकत का। अगर आप चाहते हैं योना 3:16 अगर आपको बरकत मिले तो कैसे मिलेगी? और आसमान पर कोई नहीं, कोई नहीं चढ़ा सवाय उसके जो आसमान से उतरा, उतरा यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, जो आसमान में है। यस आगे, और जिस तरह मूसा ने को बियाबान में, जिस तरह मूसा ने बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ा। क्यों मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया? क्यों? क्योंकि लोग सांप से डसे जा रहे थे, जो आज मैं और आप मुसीबतों बीमारियों परेशानियों से डसे जा रहे हैं। और कहां भागते? बजाय किताब मुकद्दस खुदा के पास, चाहे जिंदा खुदा के पास, हैकल में पास्टरों के पास हम जा रहे हैं, फार्मेसियों पे, क्योंकि फार्मेसी में क्या लिखा हुआ है? एक वो प्याला बना हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है? सांप। वो कहते हैं हमारे पास हर जहर का इलाज हमारे पास है। और आज खुदा यीशु मसीह सलीब पर है। क्या आगे लिखा जी? ताकि जो, हाँ जी, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, जो उसकी तरफ देखेगा। क्योंकि जब बल्ली पर सांप चढ़ा था, डसने वाले देख रहे थे तो क्या पा रहे थे? शिफा पा रहे थे। आज यीशु मसीह सलीब पर है, जो कोई देखेगा शिफा पाएगा। आपके लिए दिन है वो प्यासा हमारी शिफा का, हमारी जिंदगी का, कि हम बरकत पाए और कसरत की बरकत पाए। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं जबूर 118 उसकी 27 निकाले, अगर आप चाहते हैं, हम क्यों खुदा के घर में आते हैं? हम क्यों वक्त लेकर आते हैं? हम क्यों दाय देते हैं? क्यों प्रेजर वर्शिप करते हैं? क्यों करते हैं? लेकिन निकलते हुए फिर भी हमारे मुंह लटके होते हैं, हम परेशान, हाल ठीक नहीं होते, वैसे के वैसे ही होते हैं। क्यों? क्या लिखा जी? 127 118 की 27 परमेश्वर है और उसने, गौर से सुने, बहुत गौर से सुने, यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है, प्रजा पशु की वेदी के सिंगों को रस्सियों से बांधो। बहुत जरूरी है, हालेलुया, बहुत गौर से ध्यान से सुने प्लीज, दो मिनट भाई सब, आई नो यहोवा ही खुदा है, खुदा है, उसी ने हमको नूर बख्शा। नूर क्या है? कलाम। अच्छा, और क्या? कुर्बानी को रस्सियों से बांधो। आप अभी जो कुछ भी कुर्बानी लेकर आ रहे हो खुदा के घर में मस्बा पर, क्योंकि पहले जमाने में जब मस्बा था तो 4 सींग होते थे यहाँ पर। एवार की किताब पढ़े, पहले बाब में क्या लिखा है? कि तू जब कुर्बानी चढ़ाए तो मस्बा पर रख,
और यहाँ पे लिखा है कि मस्मा के सींगों से रस्सियों से बांधो ताकि आपकी कुर्बानी गिर ना जाए। जब आप बांधते हैं पूरी नियत से पूरे दिल सारी जान से खुदा अपने खुदा की इबादत करें तो हो नहीं सकता कि आपको बरकत ना मिले। वो प्यासा है आज, वो प्यासा है मुझे और आपको बचाने के लिए। आज से वादा करके जाए कि हर साल की तरह हम सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं आएंगे, हम जो कुछ भी लाएंगे अपने आप को बांध कर लाएंगे, बांध कर लाएंगे ताकि खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आज के कलाम के उसके साथ को बरकत दे।